मम्मी जी, मेरे मायके की सारी चीजें पसंद हैं, तो मैं क्यों नहीं? नन्ही पी हूँ, जीने पर ऊपर नीचे कर रही थी, तभी दादी मालती जी ने उसे टोका। अरे पीहू, यहाँ आ, जीने पर बाद में खेल लेना, पहले अपनी मम्मी को ये लिस्ट दे आ। कल तुम अपनी नानी के यहाँ जा रही हो ना, तो आते समय ये सारा सामान ले आना। ओके दादी, मम्मी, मीनल, ये लिस्ट दादी ने आपको दी है। नानी के यहाँ से सारा सामान ले आना। मीनल ने एक सरसरी नज़र लिस्ट पर डाली। 56 भोग, लखनऊ की काजू कतली, मूंग की बर्फी, बेसन का दानेदार लड्डू, मिक्सर मेवा की दाल मोठ, छोटे वाले समोसे, ये तो सारे खाने के आइटम थे। अपने साड़ी के शोरूम से कॉटन साड़ी, डबल बेड की, दोहरे चेन वाली, और वो भी बहुत सारे कपड़ों के आइटम। मालती जी ने लिस्ट हमेशा पीहू के हाथों भिजवाती थी। जब साल में एक बार वो अपने मायके जाती थी, ये बात मीनल को हमेशा खटकती। मम्मी जी मेरे हाथ में भी लिस्ट दे सकती हैं, पर देंगी नहीं। ऐसा करने पर उनका ईगो जो हर्ट हो जाएगा। बात बात पर जलील करना तो उनकी फेवरेट हॉबी है। अभी पिछले हफ्ते की ही बात है, जब प्लम्बर किचन का नल सही कर रहा था। अरे मीनल, आज तुम्हारी दाल ज़्यादा गल गई, थोड़ा खड़ी खड़ी बनाया करो। चटनी में कितनी मिर्च डाल दी है, पापा का तो मुंह ही जल गया। पता नहीं तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है, काम में मन ही नहीं लगता। आज फिर मीनल को अपने आत्मसम्मान पर ठेस लगती हुई महसूस हुई, वो भी एक लेबर के सामने। पूरा घर तो मम्मी जी से डरता है। ससुर जी, पति देव, जेठ जी और देवर भी कुछ कहकर मीनल अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। बेकार का कलेश घर में खड़ा हो जाएगा। शाम का समय है। बगल वाली कमला आंटी रोज की तरह मालती जी से पंचायत करने आ धमकी। मीनल चाय नाश्ता लेकर गई। एक आपकी बहू है दूध से धुली हुई, और एक मेरी बहू को देख लो, सासू माँ आंटी से बोल रही थी। उनका आधा अधूरा वाक्य मुझे ही इंगित कर रहा था। आज मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। वो कहावत है ना कि सहन करने वाला भी बराबर का हकदार होता है। मम्मी जी, आप हमेशा मेरे रूप रंग की हंसी उड़ाती हैं, जबकि मेरा रंग भी गोरा है। मेरी दादी मुझे प्यार से मिल्की बुलाया करती थी, जिसका मतलब है दूध जैसी गोरी। पर आपको तो अपनी बहू दूसरों से कमतर ही लगती हैं। यदि आप पीहू को लिस्ट देती हैं, तो उसी से सामान मंगवाइए, मुझसे नहीं। पर मीनल, मैं पैसे देकर ही तो सामान मंगवाती हूँ, भीख थोड़ी मांगती हूँ। मम्मी जी, आपको अपने पैसों का बहुत अभिमान है। आपको ऐसा लगता है आप पैसे से कुछ भी खरीद सकती हैं। सामान लेने के टाइम मेहनत सब कुछ लगता है। अब आगे से मेरे हाथ में लिस्ट देंगी, तभी सामान आ पाएगा। इतना कहकर मीनल अपनी पैकिंग करने चल दी। आज मालती जी अच्छे से समझ गई थी कि गूंगे की भी जुबान आ गई है। अब अपनी जुबान कम करनी पड़ेगी। दोस्तों, अक्सर ही देखा जाता है कि बहू के रूप रंग क्रियाकलाप को लेकर ताने कसे जाते हैं,
पर जब अपना मतलब निकालना होता है तो उसी बहू से अपनी स्वार्थ सिद्धांत की जाती है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों की इस कहानी को लेकर क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल वाणी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।